बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शानता जमील। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सब सब्सक्राइबर्स चैनल्स को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। वज़ीर आज़म इमरान खान एक और तुर्क ड्रामे को पाकिस्तान में नशर करने के ख्वाहिशमंद। वज़ीर आज़म ने तारीखी ड्रामे इर्तगिर्ल गाज़ी की पाकिस्तान में बेपनाह मकबूलियत के बाद एक और ड्रामे यूनस एमरे को भी नशर करने की ख्वाहिश जाहिर की है। इस बात का इंकशाफ सेनेटर फैसल जवेद खान ने समाजी राबतों की वेबसाइट ट्विटर के जरिए किया और बताया कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान चाहते हैं कि यूनस एमरे पर बनने वाला तुर्क ड्रामा भी पाकिस्तान में नशर हो। यूनस एमरे इस्लामी शायर और सूफी थे। यूनस एमरे की तारीखी हवाले से बात की जाए तो वो तुर्क सूफी शायर थे जो 1238 में एक गरीब घराने में पैदा हुए। इन्होंने इलम के हसूल के लिए मुख्तलिफ खानकाहों से फैज हासिल किया। बाद अज़ा वो काजी के ओहदे पर भी फाइज रहे। कहते हैं कि यूनस एमरे की जिंदगी में इस वक्त तब्दीली आई जब इनकी सूफी बुजुर्ग तब दो कैमरे से मुलाकात हुई, जिनका इन पर इतना असर हुआ कि इन्होंने 40 साल तक इनकी खिदमत में सर्फ कर दिए। यूनस एमरे ने हमेशा भाईचारे का पैगाम फैलाया। यूनस एमरे तुर्क कौम में इस कदर मकबूल हैं कि इन्हें जलालुद्दीन रोमी सानी भी कहा जाता है, क्यों ना कि इन्होंने मकामी तुर्क जुबान में अपना कलाम अवाम के लिए पेश किया। इनकी शायरी ने तुर्क अदब पर गहरा असर डाला। तुर्क कौम ने इस अजीम शायर यूनस एमरे का इंतकाल 1320 में हुआ। ख्याल रहे कि तुर्की के मकबूल ड्रामा सीरियल इर्तगिर्ल गाज़ी इन दिनों सरकारी टेलीविजन PTV पर नाज़रीन के लिए उर्दू जबान में पेश किया जा रहा है, जिसे बेहद पसंद किया जा रहा है। व्यूवर्स, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करिएगा। अल्लाह हाफिज़।